अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत प्यारा नेक डिजाइन बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले मैंने एक बड़ा पीस बुकरम कफ यूजिंग का लिया है, इसको मैंने डबल फोल्ड किया। डबल फोल्ड करने के बाद मैंने इसमें इस पे अपने गले की चौड़ाई और लंबाई का ग्राफ बनाना है। मेरे गले की चौड़ाई है 3 इंच, 3 इंच में मैंने मार्क किया। नीचे भी 3 इंच पे करूंगी, थोड़ा और नीचे भी 3 इंच पे मार्क करूंगी, थोड़ा सा और नीचे भी 3 इंच पे मार्क करूंगी। उसके बाद गले की चौड़ाई गहराई लूंगी, वो आप 5.5 से 6 इंच भी रख सकते हैं, 6.5 इंच तक भी रख सकते हैं। मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। 6.5 इंच पे मुझे एक बॉक्स बना लेना है। अब हमने इस बॉक्स में बहुत अच्छे तरीके से एक गोल गला बनाना है। गोल गला बनाने के बाद हमने इस जगह पे नीचे वाली साइड पे 1 इंच पे मार्क करना है और नीचे तक मार्क करते हुए आना है, क्योंकि ये गला हमारा गोल नहीं बन रहा, ये नीचे तक बनेगा, थोड़ा सा लंबाई में बनेगा। ये बहुत खूबसूरत डिजाइन का गला होगा और बहुत आसानी से बनाना सिखाऊंगी। मैंने नीचे तक वो 1-1 इंच पे मार्क कर लिया है। नीचे की लंबाई में तकरीबन लूंगी इस गले की 8 इंच तक, 8 इंच तक लूंगी। ये दो निशान लगाने के बाद गले के साइड पे से हमने 1 इंच पे तकरीबन मार्किंग करके करते हुए नीचे तक जाना है। एक इंच पे मार्क करते हुए नीचे तक जाना है। अब इन डॉट्स जो मैंने लगाए हैं इस पे स्ट्रेट लाइन बनानी है। 1 इंच के फासले पे जो मैंने डॉट बनाए थे अब लंबाई में भी एक लाइन लगानी है। ये हमारे गले का ड्राफ्ट बन गया है। अब हमने इसे कट करके कपड़े पे पेस्ट करना है। कटिंग मैं आपको दिखाती हूँ कटिंग कैसे करनी है इसकी। ये जो 1 इंच के फासले पे मैंने मार्किंग की थी मैं उस पे ही काट रही हूँ। ये हमारा गला कट के रेडी हो गया है। अब हमने अपने गले को कपड़े पे पेस्ट करना है। ये गला मैंने पेस्ट कर लिया है। अब हमने एक्स्ट्रा कपड़ा काटना है। तकरीबन 1/2 इंच के फासले पे मैंने इस गले की कटिंग करनी है चारों साइड्स पे।
गले की कटिंग हो गई है, कपड़े की कटिंग हो गई है, अब हमने यहाँ सिलाई लगानी है। ये आधा इंच वाला कपड़ा जो हमने अलग से काटा था, ये ऐसे इसके साथ बिल्कुल टच करके सिलाई लगानी है। सिलाई लग के कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हमने इस गले की सेंटर क्रीज बनानी है। सेंटर क्रीज बनाने के लिए दोनों साइड्स को आपस में मिला के अच्छे तरीके से प्रेस कीजिए। ये गला हमारा प्रेस हो गया है। ये हमने इसलिए प्रेस किया ताकि जब हम इसको शर्ट पे रखें तो गला कहीं इधर उधर ना हो, बिल्कुल सेंटर में ही हम सिलाई लगाएं। अपने शर्ट की भी सेंटर क्रीज बिल्कुल अच्छे से बिठा लीजिए, बना लीजिए। ये हमारे शर्ट की है बैक साइड और ये है शर्ट के फ्रंट साइड। इस गले को सेंटर वाली लाइन पे रख के पिन अप कर लीजिए। पिन अप पिन्स इसलिए लगाने हैं ताकि हमारा गला इधर उधर ना हिले। तीन चार पिने लगा लें ताकि हमारा गला अपनी जगह पे टिका रहे। मैंने चार पीने लगा ली हैं। अब हमने सिलाई लगानी है। बुकरम की साइड साइड्स पे हमने सिलाई लगानी है। गला स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमने सेंटर में लाइन सिलाई लगानी है ताकि हमारा गला फिक्स हो जाए। बिल्कुल सेंटर की लाइन सेंटर से मिला के मैं सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ पर आके हमने स्टॉप करके सुई अंदर ही रख के हमने टर्न करना है कमीज को, और फ्यूजिंग की बिल्कुल साइड में ही सिलाई लगानी है। फ्यूजिंग के ऊपर नहीं लगानी, फ्यूजिंग के साथ बिल्कुल किनारे किनारे पे हमने सिलाई लगानी है। और ऐसे हमने पूरे गले पे सिलाई लगा लेनी है। सिलाई कंप्लीट हो गई है गले की। अब मैंने इस गले की कटिंग करनी है और उसके बाद इसको मैंने प्रेस करना है। इस गले की लेंथ है 8 इंच, तो हमने तकरीबन यहाँ से शुरू करना होगा। हमने तकरीबन 7.5 इंच का फ्यूजिंग पेपर लेना है। ये 7.5 इंच का फ्यूजिंग पेपर है। इस फ्यूजिंग पेपर के इर्द गिर्द हमने ब्लू कलर का कपड़ा पेस्ट करना है और फिर मैं आगे बताती हूँ आपको। ये प्लेन पीस रेडी हो गया है। अब हमने इसको इसके बीच में रखना है, पर इसके बीच में रखने से पहले, सिलाई लगाने से पहले हमें इस लेस से इसकी डिजाइनिंग करनी है। डिजाइनिंग करने के लिए हमें कुछ स्पेशल और कुछ खास टिप्स फॉलो करने होंगे, जिससे हमारी डिजाइनिंग भी बहुत खूबसूरत लगेगी और हमें वो डिजाइन बनाने में बेहद आसानी होगी। मैं अभी आपको बताती हूँ। हमने तकरीबन 4-4 इंच की ये लेस की पट्टियां काटी है, 4-4.5 इंच तक की एक एक पट्टी काटी है, 4.5-4.5 इंच की। अब हमने इसकी ऐसे रखे डिजाइनिंग करनी है। लेकिन ये इस डिजाइनिंग को अपने लिए आसान बनाने के लिए, इजी तरीके से सीने के लिए मैंने ये UHU ग्लू ली है। ये मैं UHU ग्लू इस पट्टी पे लगा के आपको मैं एक दो पट्टियां करके दिखाती हूँ, फिर मैंने इस पे अटैच करनी है। वो इसलिए कि हमारी ये लेस जो है ये बहुत बारीक है और हमारा डिजाइन आगे पीछे ना हो, बिल्कुल एक ही जगह पे टिका रहे और सीने में भी आसानी हो, तो इस वजह से UHU ग्लू का इस्तेमाल करेंगे। UHU ग्लू बहुत ही बेहतरीन ग्लू है, इससे आपकी सिलाई में बहुत आसानी होगी। बहुत आसानी से आप कपड़े सी सकेंगी। आप किसी भी लेस को, पर्ल को या कोई भी चीज आपको टिकानी हो
टेम्परेरी, तो आपको UHU ग्लू से बेहतर चीज कोई और नहीं मिलेगी। ये देखें, ये लेस मेरी अटैच हो गई है। इसी तरह मैं सारे पीस अटैच करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने UHU ग्लू से सारे पीस, अपने लेस के पीस सारे जोड़ दिए। ये अब कहीं से भी नहीं हिलेंगे। अब हमने इस पे सिलाई लगा के फिर हमने इस गले को फाइनल लुक देना है। यहाँ सिलाई लगानी है और उसके बाद यही वाली लेस हमने साइड पर भी डिजाइनिंग करनी है। अब सबसे पहले मैं इस पर सिलाई लगा के फिर मैं आपको आगे की डिजाइनिंग दिखाती हूँ। ये मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। अब हमें इस जगह की डिजाइनिंग करनी है लेस से। ये जो लेस बची हुई है, ये बाकी की लेस हमने इस पर भी लगानी है। लगा के मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ कैसा लुक आता है कम्प्लीट होकर। ये लेस स्टिच कर ली है मैंने साइड में, गला बन के कम्प्लीट हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हमारी शर्ट सिल के तैयार हो गई है, पूरी शर्ट स्टिच हो गई है। आस्तीनों में भी हमने ये डिज़ाइनिंग की, आस्तीन छोटी बन रही थी तो ये पीस लगा के, और ये चौड़ी पट्टी थी इसको दो हिस्सों में काट के लेस से डिज़ाइनिंग की। डोरे पाइपिंग वाली शर्ट है ये, पाइपिंग की मैंने एक वीडियो शेयर की है। मैं और भी बहुत सारी शेयर कर लूँगी ताकि आपको सीखने में और मज़ीद आसानी हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।